पीथमपुर की संस्था युवा द्वारा सभी संरक्षक मार्गदर्शक मंडल की सहमति से नगरपालिका क्षेत्र पीथमपुर में विभिन्न साथियों को दायित्व सौंपे गए हैं। संस्था का उद्देश्य नगर में बेसहारा असहाय लोगों की मदद करना, समाज के किसी भी वर्ग को जिसका यहाँ कोई नहीं है उनकी मदद करना, बीमार होने पर उसको अस्पताल ले जाना, देखभाल करना, नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिमाह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाना प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा एवं खेलकूद में होनहार साथियों को प्रोत्साहित करना, साथियों की समस्याओं को हल करवाना प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है, आज आपने इतनी बड़ी टीम का निर्माण किया, इतने बड़े संगठन का निर्माण किया है, तो आज इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या है आपका? सबसे पहले तो मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और हमारे संस्था का नाम है संस्था युवा। संस्था युवा का उद्देश्य है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम कमज़ोरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम कमज़ोरों की आवाज़ को फर्श से लेकर हर्ष तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। आपने जैसा बताया कि समाज सेवा आपका मुख्य उद्देश्य है, तो समाज सेवा में आप किस तरह से समाज सेवा करेंगे इस संगठन के द्वारा? जिस तरीके से कमज़ोर वर्ग, मान लीजिए जो कंपनी में कुछ कार्यरत हैं या छात्रगण हैं जो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित होते हैं या कॉलेजों में कोई समस्या होती है, तो उसके लिए भी हम हैं। और बाकी अगर कहीं हम जैसे कैंप लगाएँ, कमज़ोर वर्ग के लिए कैंप लगाए जाएंगे। दूसरी चीज़ का अगर कोई बीमार है, दुखी है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है या दूसरा कोई पहुंचाने वाला नहीं है, तो उसमें संस्था युवा आगे बढ़ के काम करेगी। तो चलेगा, कंटिन्यू। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप समाज में जो कुछ भी पिछड़े लोग हैं या जो भी समस्याएं हैं आप उसके लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, बुजुर्गों के साथ में समस्याएं हैं, यहाँ पे महिलाओं के साथ में समस्याएं हैं, तो क्या आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए और हर वर्ग के लिए संस्था युवा आगे काम करेगी। जी, राजनीति से दूर रह करके और लोगों के पास होंगे। ठीक है, आपका नाम? पीयूष मिश्रा। संगठन आप किस नाम से बनाए? संस्था संयोजक हूँ मैं, फाउंडर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।